एक तो जनवरी का जो हो गया वो अत्यंत दुर्दैवी प्रसंग था, और प्रकाश अंबेडकर जी ने जो उनके ऊपर एलिगेशन किए हैं वो टोटली बेसलेस और विदाउट एनी एविडेंस है। वो कतई उसमें मिलिंद एकबोटे जी का ये रोल नहीं है, क्योंकि 17 दिसंबर के बाद मिलिंद एकबोटे वहाँ कोरेगांव भीमा में नहीं गया है, ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है। और ये दलित तरुण के उत्थान के लिए 20-25 वर्ष में काम कर रहे हैं। उनका खुद का एक क्रांतिवीर लहूजी वस्ताद प्रतिष्ठान है, जो क्रांतिवीर लहूजी वस्ताद मातंग समाज के बहुत बड़े लीडर थे, और लोकमान्य जी टिळक और महात्मा फुले इनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात उनके थे, तो उनके नाम से ये उनका प्रतिष्ठान है। और इस प्रतिष्ठान से लाखों दलित युवकों को उन्होंने शिक्षण के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए प्रमोट किया है। इसलिए ये जो टोटल एलिगेशन है बेसलेस है, उसमें ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्री कौन सा भी प्रूफ नहीं। और ये प्रकाश अंबेडकर के मैं चेतावनी देता हूँ कि 7 दिन में उन्होंने कुछ एविडेंस नहीं दिया तो हम उनके ऊपर डिफेमेशन का दावा दाखिल करने जा रहे हैं।